नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सुबह चौधरी। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा है कि हमें किसी भी चुनौती से हारकर बैठ नहीं जाना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज और भी जरूरी हो गई हैं, जिनके बल पर आज हम पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने कहा है कि जब हमारे मन में करुणा होगी, संवेदना होगी, तब हम किसी भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इस मुश्किल हालात में हमें सभी की मदद के लिए आगे रहना चाहिए। पीएम मोदी ने उन सभी लोगों की तारीफ की है जो इस वक्त लोगों की मदद करने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का ही प्रभाव है जो हम आज सभी की मदद कर पा रहे हैं। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए,
पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। उधर देश भर में कोरोना बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी से फैला है। देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश में कोरोना का नया एपिसेंटर बनते गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले कैसे पूरे भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना वायरस इस वक्त सबसे तेजी से फैल रहा है और पूरे देश से आते आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में सिर्फ राजधानी दिल्ली में हालात क्या है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कैसी स्थिति है और देश में कोरोना का एक और बड़ा केंद्र बनते गुजरात का हाल क्या है, उन्हें जरा आंकड़ों की बनती इस तस्वीर के जरिए समझिए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 428 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के अब तक के कुल मामले 5532 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो कोरोना के जो मामले पहले हर 13 दिन में दोगुने होते थे, वो अब दोगुना होने में सिर्फ 11 दिन ले रहे हैं। जहां तक स्पीड ऑफ ग्रोथ है, एग्जैक्टली मैं भी चेक कर रहा था, 11 दिन के बाद डबल हुआ है दिल्ली के अंदर। जो डबलिंग रेट है 11 है, एक समय ऐसा था जब 4 या 4.5 पे आ गया था। अगर डबलिंग रेट 20 दिन पे आ जाएगा तो वी विल बी मच कंफर्टेबल, तो डबलिंग रेट अभी 11 पर है। कोरोना के ये डराते आंकड़े सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना से पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतें सामने आई है। कोरोना से महाराष्ट्र में 617 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से 412 मौतें हो चुकी है और अकेले गुजरात में मौत का आंकड़ा 368 तक पहुंच गया है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान सख्त नियमों के बाद भी ना तो संक्रमण के आंकड़े घटते दिख रहे हैं और ना ही मौत के, और यही वजह है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 50,000 के करीब पहुंच गए। और इससे भी ज्यादा डराने वाले आंकड़े ये कि सिर्फ 3 दिन में मामले 40,000 से बढ़कर 50,000 हो चुके हैं। शुरुआती 10,000 केस 75 दिन बाद सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना को कलंक समझकर लोगों से छिपाने की नहीं बल्कि इसे वक्त पर बताने की बात कही है। केसेस को जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर लेना, उनको पकड़ लेना, उनको ट्रीटमेंट शुरू कर देना, उनको आइसोलेट कर देना, ये हमारा लक्ष्य है। सब मिलकर इस कोविड के खिलाफ जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से हर कोई फिलहाल इस बीमारी से डरा हुआ है। कोरोना से जुड़े देश भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना केस बढ़कर 49,391 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 33,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके अहमदाबाद में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन में दी गई सभी छूट को वापस लेने का फैसला लिया गया है। इससे पहले अहमदाबाद के साबरमती जेल के कैदी और पुलिस कर्मियों समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 11 में से 3 जेल के पुलिस कर्मी है। पैरोल पर घर जाकर वापस लौटे कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। टेस्ट के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट को राज्य और जिले की स्थिति के लिहाज से बदला भी जा रहा है, जो इस वक्त सबसे अहम है। और ऐसे में जी न्यूज आपसे सिर्फ एक ही अपील कर रहा है और वो ये कि सरकार द्वारा की गई अपील का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना से मिलकर लड़ेगा इंडिया, तभी तो जीतेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत आज से होने जा रही है। सरकार ने कहा है कि विदेशों में से आने वाले भारतीयों को अपना किराया खुद वहन करना होगा। इसके अलावा उन्हें क्वारंटीन का खर्च भी देना होगा। अलग अलग देशों से आने वाले यात्रियों को 12,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक किराया देना होगा। तो विदेशों से आने वाले भारतीयों को किराया खुद वहन करना होगा। वंदे भारत मिशन की शुरुआत आज से हो रही है, जिसके जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। उधर केंद्र सरकार जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में संकेत दिए हैं। नितिन गडकरी ने बस और कार ऑपरेटर्स से चर्चा की, जिसके बाद ही ट्रांसपोर्ट जगत की उम्मीद बढ़ गई है।
लॉकडाउन में खुलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सख्त शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट की बहाली। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन 3.0 के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की लगातार मांग हो रही है। मामला चाहे लॉकडाउन के दौरान दूसरी जगहों पर फंसे लोगों का हो या फिर देश के आम लोगों के यातायात का, लोगों की मांग और जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस और कार ऑपरेटर्स से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि नई और सख्त गाइडलाइंस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू किया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि कई राज्यों में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं जिनको उनके राज्य पहुंचाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बसें चलाने की जरूरत है। जल्दी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ट्रांसपोर्ट कुछ गाइडलाइंस के आधार पर शुरू करने का प्रयास सरकार के द्वारा होगा, ये भी कोशिश हम करेंगे, क्योंकि एयरलाइंस, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट ये कुछ प्रमाण में शुरू करने की आवश्यकता भी है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार के राजस्व में कमी आई है, साथ ही कई राज्य सरकारें भी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। हमारी इकोनॉमी में आज संकट है, पर इसमें ब्लेसिंग एंड डिसगाइज भी है। बड़े प्रमाण पर चाइना में जो इन्वेस्टमेंट थी, जापानी प्रधानमंत्री ने अपना पैकेज जाहिर किया है कि जो जापानी व्यक्तियों की कंपनियां चाइना में है और जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो आउट ऑफ चाइना निकलना चाहते तो उनके लिए पैकेज जाहिर किया है, हम कैसे इसका एडवांटेज लें? तो मुझे लगता है सभी सेक्टर को इसका एडवांटेज मिलने वाला है। लॉकडाउन में वित्तीय संकट के दौर से परिवहन विभाग भी गुजर रहा है, ऐसे में परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स के हौसलों को बढ़ाने और एक दूसरे की मदद कर संकट के इस दौर में आगे निकलने की बात कही। इसका निर्णय जल्दी हो रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सब लोग लगातार मीटिंग हो रही, निश्चित रूप से सबके लिए जो कुछ ना कुछ राहत आएगी, आपके लिए भी कुछ ना कुछ आने की जरूर कोशिश होगी और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के लेवल पर कुछ निर्णय होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निवेशकों और उद्योग जगत से कहा कि वो वैश्विक बाजार के बड़े हिस्से पर अपनी धाक जमाकर कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई चुनौतियों को अवसर में बदल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को 9/11 से भी ज्यादा खतरनाक बताया। कोरोना का संक्रमण पर्ल हार्बर से भी बदतर है, आज तक अमेरिका पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें कि अमेरिका पर सबसे ज्यादा असर कोरोना का हुआ है, जहां पर संख्या लाखों में। But no, I view the invisible enemy like a war. Hey, it's killed more people than Pearl Harbor, and it's killed more people than the World Trade Center. World Trade Center was close to 3,000. Well, we're going to beat that by many times, unfortunately. उधर पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक की घटना पर एनडीएमए की बैठक बुलाई है और यह बैठक 11 बजे होगी। पीएम मोदी ने इस घटना के बाद गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अफसरों से बात की है। विशाखापट्टनम के आरआरपुरम में केमिकल कंपनी के प्लांट में यह गैस लीकेज से हड़कंप मच गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है तो सांस लेने में तकलीफ के बाद करीब 1,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पास के 6 गांवों को भी खाली करवा लिया गया है। विशाखापट्टनम के केमिकल कंपनी के प्लांट में गैस लीकेज से हड़कंप मच गया, इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं गैस लीक की वजह से 1,000 लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खुद पीएम मोदी ने गंभीरता दिखाते हुए विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीकेज की इस घटना पर एनडीएमए की बैठक को बुलाया है। 11 बजे का तकरीबन यहाँ पर वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी। पूरी तरीके से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोगों को सांस लेने में तकलीफ और इसके अलावा आंखों में जलन की दिक्कत यहां पर पेश आई, और जो बीमार हैं उसमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास गोपालपट्टनम एरिया में
पॉइजनस गैस फैलने से कई लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। ये हादसा आज सुबह 3 बजे के आसपास हुआ और कई सारे गांव इसके चपेट में आ गए। जितने भी लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है रास्ते पे गिर गए हैं और सभी लोगों को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। कई सारे लोग बताए जाते हैं कि क्रिटिकल है, जिनमें कि बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं और औरतें भी हैं। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी वैजाग पहुँच रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो NDRF की टीम्स है या फिर डॉक्टर्स की टीम्स है उस एरिया में भेजे जा रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। और यह हादसे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो कंपनी का नाम है LG पॉलीमर, बताया जाता है कि इसी से ही जो है पॉइजनस गैसेस निकले थे सुबह 3 बजे के आसपास, जिसके चलते 6 गांव में इसका असर काफी देखने को मिला, काफी भयानक जो है लोगों को देखने को मिला, जहां पर रास्ते पर लोग गिर गए क्योंकि सांस लेने में काफी उनको तकलीफें आ रही थी। तो विशाखापट्टनम के सरकारी अस्पताल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि जितने भी लोग वहाँ पर आए तो उनका जो है उपचार हो। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया हैदराबाद। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रामदेवरा थाना क्षेत्र की होपरडी नाड़ी की आगोर में बुधवार रात को बड़ा हादसा हुआ। फील्ड फायरिंग रेंज में बम फटने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैली है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के मुताबिक टेकरा गांव के 3 युवक पशु चारा लेने के लिए डेलासर गांव गए थे, जहां पर चाचा खेतोलाई से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर से होकर एक पुराना कच्चा रास्ता है जो राठौड़ा फाटा के पास मिलता है और राठौड़ा से सीधा सड़क मार्ग टेकरा जाता है। ये युवक ट्रैक्टर में चारा भरकर इस रास्ते से लौट रहे थे कि रास्ते में जब इन्होंने स्क्रैप देखे तो बिनना शुरू कर दिया। इन युवकों ने ट्रैक्टर को साइड में खड़ा किया और होपारड़ी नाड़ी की आगोर में उन्हें एक बम मिला, जिसे उन्होंने निष्क्रिय समझकर मौके पर ही खोलने का प्रयास किया। बम जिंदा होने के कारण तेज धमाके के साथ वो अचानक फट गया, जिससे कि तीनों युवकों के चीथड़े उड़ गए। मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। रात को यहां से गुजर रहे कुछ चरवाहों ने शव देखे तो इसकी सूचना ओढ़ानिया के ग्रामीणों को दी और उनकी सूचना पर ओढ़ानिया के पूर्व उप सरपंच प्रद्युम्न रत्नु और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। डिडवाना के छोटी खाटू में टवेरा गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है, जहां पर गाड़ी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद इन शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हरमान तंवर, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हरमान, कैसे हुआ है हादसा? इसमें जो मामला सामने आया है ये है कि बाइक सवार सड़क किनारे खड़े थे, लेकिन टवेरा वाहन चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए इन 3 बाइक सवार को जो सड़क किनारे खड़े थे उनको कुचल दिया, जिससे इनकी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी सुमित, धर्मांतवर जी मीडिया संवाददाता, खबर यहां पर जानकारी देते हुए जिस तरीके से हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा बताया जा रहा है। उधर सीकर के गंगापुरा गांव के पास देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 बच्चे बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक रघुवीर और मंजू बाइक पर 2 बच्चों के साथ हिसार से सीकर जा रहे थे कि तभी शेखावाटी रामगढ़ के पास गंगापुरा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे कि रघुवीर और मंजू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों के पिता की कल ही मृत्यु हुई है और मंजू अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने जेठ रघुवीर के साथ सीकर आ रही थी, तब यह हादसा हुआ। बारा के मोटपुर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इस ट्रैक्टर के नीचे 2 युवक दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक हादसा पटना और महाराजपुरा के बीच हुआ है। यहां पर एक गड्ढे में यह ट्रैक्टर पलट गया।
मतलब बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां पर 6 पीएमएचएम में छपरे में आग लगने से हादसा हुआ है और युवक के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक 6 पीएचएम निवासी श्याम सुंदर के छपरे में आग लग गई और इस आग में जलने से श्याम सुंदर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलाकर सबूत जुटाए हैं और जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। श्याम सुंदर का मकान है जिसके झोपड़े में आग लगी हुई है और श्याम सुंदर खुद जलकर उसके डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस संबंध में थाना अधिकारी मैं जाप्ते के और मन वर्ता अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और एफएसएल टीम बुलाई गई है। जैसी कार्रवाई होगी उसमें वैसी कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। बूंदी के केशवराय पाटन थाना इलाके के बंजारा की झोपड़िया गांव में बीती रात को दो गुटों में नाता प्रथा को लेकर हुए खूनी संघर्ष में करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। दोनों गुटों के सदस्य घायल हालत में अलग अलग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर भी दोनों पक्षों में मारपीट हो गई जिससे कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा तफरी रही। पुलिस ने बताया कि दरबार जगदीश सरदार गुट की सीताराम पृथ्वीराज गुट के 20 लड़की की शादी के बाद नाता प्रथा को लेकर गाँव में बैठक चल रही थी और इसी में पैसे और जेवरात को लेकर कहासुनी हो गई जिसके बाद खूनी संघर्ष का उसने रूप ले लिया। कोटपुतली में जयपुर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम ने तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोटपुतली पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत कई गोदामों पर छापा मारा गया और बड़ी संख्या में खैनी गुटखा तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा है। बारा किशनगंज से खबर, जहां पर कोली मोहल्ला के बीच में शराब की दुकान खोलने का विरोध शुरू हो गया है। दुकान के विरोध में मोहल्ले की महिलाओं ने दुकान के बाहर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को दुकान से हटाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। प्रदेश में समर्थन मूल्य को लेकर लगातार किसानों की तरफ से अपनी मांग की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में सरसों और चने की खरीद पर किसानों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने केंद्रों की पंजीयन सीमा को 10% बढ़ा दिया है जिसके बाद में अब सरसों के 18 और चने के 30 खरीद केंद्र बढ़ गए हैं। ऐसे में किसान आज से ही इन केंद्रों पर पंजीयन करवा सकेंगे और अधिक किसानों को MSP का भी फायदा मिल सकेगा। तो वहीं आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि सीएम गहलोत की तरफ से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और ट्वीट यहां पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। तो चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। आदत में नमस्ते को लाए। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर मस्जिद मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।